अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों अगर दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र हो तो आपके जहन में कौन कौन से नाम आते हैं अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग के नाम आते हैं लेकिन इनके पास कितनी दौलत है और क्या यही लोग हैं जो तारीख इंसानी के अमीर तरीन लोग हैं पहली बात तो ये कि इन लोगों के पास इतनी दौलत है कि शुमार से हटकर अगर सादा अल्फाज में आपको बताया जाए तो आप हैरान रह जाएंगे दुनिया के नौ अमीर तरीन लोगों के पास जो दौलत है इतनी दुनिया के चार अरब गरीब लोगों के पास भी नहीं है अमेज़न के मालिक जेफ बिजोस के कुल की कुल मालियत 105 बिलियन डॉलर्स है जो इन्हें दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बनाती है क्या ये लोग तारीख इंसानियत के भी अमीर तरीन लोग हैं तो इस सवाल का जवाब है नहीं तारीख में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनकी दौलत इनसे कहीं ज्यादा थी आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही अमीर लोगों से मुतारफ करवाएंगे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपने अगर, अगर अभी तक हमारा चैनल उर्दू स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे लीबिया के सबिक हुक्मरानी चालीस साल तक लीबिया के बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे इस अरसा में इनका जाती अकाउंट भी फलता फूलता रहा

103 बिलियन डॉलर्स, जबकि कुल असासों की कीमत 200 बिलियन डॉलर्स थी अगर आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद कजाफी इंसानी तारीख का अमीर तरीन इंसान था तो आप गलत हैं अब हम आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिस पर दौलत की देवी कजाफी साहिब से भी ज्यादा मेहरबान रही क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कौन था जिसने रोम की एक छोटी सी रियासत को रोमन सल्तनत में बदल दिया उस शख्स का नाम मार्क क्लासेस था गुलामों की तजारत जायदाद की खरीदो फरोख्त और कान कुनी के काम से उसने जो दौलत बनाई वो आज कल के अंदाजों के मुताबिक दो सौ एक बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनती है। उस शख्स की जती दौलत रोमन सल्तनत के कुल सालाना बजट से भी ज्यादा थी मार्क क्लासेस के हम असर बादशाह तो ही होंगे जी हाँ मैं सीजर की बात कर रहा हूँ आज दुनिया ये तखमीने लगा रही है कि पहला ट्रिलियनर कौन होगा लेकिन 100 सौ कबल में बहुत पहले ही देख चुकी है यकीन आप सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा अमीर आदमी का तस्वीर ही नहीं हो सकता लेकिन हम आपको बता दें कि सीजर से भी ज्यादा दौलत रखने वाला एक शख्स माजी में मौजूद रहा है वो शख्स माली का चौदहवीं सदी का हुक्मरान मनशा मूसा था सोने के जखायर के मालिक मनशा मूसा की दौलत इतनी बेहिसाब थी कि हिसाब किताब के, के मरवजा मैारत को अपना मैार ऊपर करना पड़ेगा कहा जाता है कि एक दफा मनशा मूसा माली से मक्का हज के लिए गया इस मकसद सफर में उसकी फौज भी उसके साथ थी हकूमतीदेदार आम लोग और मजदूरों के साथ साथ बहुत सा सोना भी उसके पास था मनशा मूसा पूरे रास्ते लोगों में सोना बांटता गया इसकी सखावत का अंदाजा लगाएं, जिस मुल्क से ये काफिला गुजरा वहाँ सोने की वजह से माशी बहरान पैदा हो गया मनशा मूसा ने तन तनहा कई शहर बसाए कई मदरसे और मसाजिद भी बनवाई इसके असासे इतने ज्यादा थे कि उनका अंदाजा माहरीन नहीं लगा पाए मगर इस बात पर सभी मुत्तफिक हैं कि वो तारीख़ इंसानी का अमीर तरीन इंसान था तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा इसके मतलब कोई इस सवाल या आप तजवीज़ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें शुक्रिया